हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। अगर आप एक मोबाइल ख़रीदने की सोच रहे हैं 9 से 14 हज़ार के आसपास, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 3 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स। इनका मैं करूँगा कंपैरिजन और आपको बताऊँगा इन तीनों में आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। तो रेडमी Y2 हमारे पास है सबसे पहले। इस मोबाइल का प्राइस पहले ज़्यादा था, लेकिन अब ये मोबाइल जो है आपको 9,000 के आसपास ऑनलाइन मिल जाएगा। 9,000 के अंदर इसमें आपको मिलती है 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। बाकी इसके अंदर एक खूबी ये है, आप 2 SIM कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, 3 चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको मिल जाती है डिस्प्ले साइज़ 5.99 इंचज़ की। तो सबसे पहली बात जो इसके अंदर सबसे बढ़िया है, वो है इसका डिस्प्ले साइज़। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले साइज़ इसके अंदर आपको मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आपको बढ़िया मिलती है, वो है इसका कैमरा। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का फ्लैश के साथ और बैक कैमरा 12+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, जिसकी परफॉर्मेंस आपको फ्रंट की भी बढ़िया मिल जाती है और बैक कैमरे की भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो कैमरे के मामले में बजट के हिसाब से इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर मिल जाता है, तो प्राइस के हिसाब से इसके अंदर प्रोसेसर भी आपको बढ़िया मिल जाता है। इसके अलावा बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है 3080 mAh की, तो बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको 1 दिन का मिल जाता है। ये 3 चीज़ें इस मोबाइल के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती हैं, इसका डिस्प्ले साइज़, इसका कैमरा और इसका प्रोसेसर। प्राइस के हिसाब से इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, Redmi Note 6 Pro, जो आपको मिलता है ऑनलाइन 14,000 के आसपास। अब 14,000 में इसके अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। बाकी इस मोबाइल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो खास मिलती है, वो है इसका डिस्प्ले साइज़। 6.26 इंचज की इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया साइज़ में और एक बड़े नॉच के साथ। बाकी एजेस और बेजल्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ जो इस मोबाइल के अंदर आपको बढ़िया मिलती है, वो है इसका कैमरा। बैक कैमरा आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट में भी आपको मिल जाता है डुअल कैमरा 20+2 मेगापिक्सल का। इस मोबाइल के अंदर आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। तो दूसरी चीज़ जो इस मोबाइल के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है, वो है इसका कैमरा। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है इसके कैमरे की। तीसरी चीज़ जो इस मोबाइल के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, वो है इसकी बैटरी। 4000 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिल जाती है, तो बैटरी बैकअप भी इस मोबाइल के अंदर काफ़ी बढ़िया है। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको Y2 में भी मिल जाता है, इस मोबाइल में भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं एक बड़ी नॉच की डिस्प्ले इसके अंदर आपको कैसी लग रही है। स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर इस मोबाइल के अंदर आपको मिल जाता है। Y2 से बढ़िया प्रोसेसर है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी ब्रांड से, तो इसके अंदर प्रोसेसर आपको इतना अच्छा नहीं मिलता जो आपको दूसरी कंपनीज के अंदर मिल जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। बाकी ये 3 चीज़ें इस मोबाइल के अंदर काफ़ी खास हैं, इसका कैमरा, इसकी डिस्प्ले साइज़ एक नॉच के साथ और इसकी बैटरी। ये 3 चीज़ें इस मोबाइल के अंदर काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। तो अगर आपकी एक मेन ज़रूरत इन 3 चीज़ों में से है, तो ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाती है मेटल बॉडी, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी इंप्रूव करती है। इसके अंदर एक कमी यह है, आप 2 SIM कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, 3 चीज़ें एक साथ नहीं लगा सकते। लेकिन इस मोबाइल के अंदर आप 2 Jio के 4G के SIM एक साथ चला सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इस मोबाइल के साथ आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, लेकिन एक फास्ट चार्जर आपको इस मोबाइल के साथ नहीं मिलता है, वो चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है ऑनर की तरफ से ऑनर 10 Lite। ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन 14,000 के अंदर। 14,000 रुपये के अंदर इसमें आपको मिलती है 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। बाकी इस मोबाइल के अंदर सबसे पहली खास चीज़ आपको मिल जाती है इसकी डिस्प्ले। 6.21 इंचज की इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे साइज़ में डिस्प्ले मिल जाती है, वो भी एक छोटी सी नॉच के साथ, जिसके अंदर आपको एजेस भी बहुत कम मिलते हैं और बेजल्स भी काफ़ी कम मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में ये इन तीनों मोबाइल्स में सबसे बढ़िया आपको मोबाइल मिल जाता है। बाकी दूसरी चीज़ जो इस मोबाइल के अंदर आपको काफ़ी खास मिलती है, वो है इसका डिज़ाइन। बैक साइड पर आपको बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लुक मिल जाता है इसके अंदर, आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन कैसी लग रही है इस मोबाइल के अंदर। तो डिज़ाइन के मामले में इन तीनों मोबाइल्स में सबसे बढ़िया डिज़ाइन भी इसी मोबाइल के अंदर आपको मिल जाता है। बाकी तीसरी चीज़ जो इस मोबाइल के अंदर आपको अच्छी मिल जाती है, वो है इसका प्रोसेसर। Kirin 710 प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो प्राइस के हिसाब से इसके अंदर आपको प्रोसेसर सही मिल जाता है। फ्रंट कैमरा भी इस मोबाइल का काफ़ी अच्छा है, 24 मेगापिक्सल का। बैक कैमरा मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का, जिसकी परफॉर्मेंस आपको सही मिल जाती है। बैटरी आपको मिलती है 3400 mAh की इस मोबाइल के अंदर। तो ये सब फीचर्स इस मोबाइल के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो बढ़िया डिज़ाइन और डिस्प्ले के लिए और प्रोसेसर के लिए आप ऑनर खरीद सकते हैं, बढ़िया कैमरा, बिल्ड क्वालिटी और बैटरी के लिए आप नोट 6 प्रो खरीद सकते हैं।
बाकी इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो आप Y2 खरीद सकते हैं। बढ़िया कैमरे की वजह से मुझे Note 6 Pro पसंद आया। आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा पसंद आया, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो हेल्पफुल लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।